देखेगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है, घबराना नहीं है। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है भाई, जैसा आप बोलो सब सही। ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है, ट्रेपेजियम है, समझिएगा। इसके बाद लिखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, हाँ वो तो दिख ही रहा है हमको भी, एंड ए डी इक्वल बी सी, अरे वाह ये साइड्स ना इक्वल है। फिर लिखा है, डायग्राम भी दिया है, अच्छा डायग्राम में ए बी प्रोड्यूस्ड अप टू कहां तक, ई तक, और सी ई को ज्वाइन करा है, ठीक है समझिएगा। इसमें डायग्राम के हिसाब से इसमें कहता है प्रूव करिए एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, कोई बात नहीं समझिएगा। गिवन ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है बात समझिएगा। अगर इसमें ट्रेपेजियम है एंड देयर इज अ पॉइंट ई एट, या ई एट ए बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है एक पॉइंट ई है जो ए बी के प्रोड्यूस करने पे आएगा, ठीक है ए बी प्रोड्यूस्ड। इसके बाद सच दैट सीई इज पैरेलल टू ए डी, ठीक है सीई इज पैरेलल टू ए डी, कुछ इस टाइप से है कि सीई और ए डी क्या हो, पैरेलल हो, समझिएगा। अगर इस तरीके से है टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले तो कहता है कि प्रूफ करो एंगल ए इक्वल एंगल बी, ठीक है समझ लेंगे। उसके बाद बोलता है एंगल सी इक्वल एंगल डी, ये भी समझ लेंगे। फिर बोलता है ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है, किसके, ट्राइंगल बी ए डी के, ए बी सी और बी ए डी क्या है, कॉन्ग्रेंट है, आगे समझिएगा। और डायगोनल ए सी और बी डी इक्वल है, चलो वो भी बना लेंगे, डायगोनल सार इक्वल, ठीक है समझिएगा। सारा कुछ कर लेंगे, जो जो इन्होंने कहा है सब कर लेंगे। प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं बात करना, प्रूफ इन पैरेललोग्राम, सॉरी या इन क्वाड्रिलेटरल एईसीडी, एईसीडी क्या देख पा रहे हैं अपन, एई पैरेलल टू डीसी गिवन, एई पैरेलल टू डीसी ये क्या है गिवन है, और एडी पैरेलल टू सीई बाय डायग्राम, ठीक है। और अगर एडी पैरेलल टू सीई है ना, इट मींस ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, जिस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है जिस भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। देन और हम ये भी जानते हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। देन ए डी इज इक्वल्स टू सी ई, ए डी इज इक्वल्स टू क्या, सीई, ध्यान दीजिएगा ए डी सीई के इक्वल है, एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये कैसे पता, ये गिवन है, गिवन ना ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, कहीं लिखा है, मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन है, बोला ऐसा, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप तो आपको लिखा, ए डी इक्वल बी सी गिवन है, और ए डी इक्वल सीई है क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, पैरेललोग्राम है। देन अब जब ए डी सीई के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है तो सीई क्या होगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा, सीई बी सी के इक्वल हो जाएगा। और अगर सीई और बी सी इक्वल है तो एंगल सपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है ना। देन इन ट्राइंगल बीई सी एंगल बी या एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई इक्वल्स एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी समझिएगा, एंगल सी बी ई इक्वल एंगल सी ई बी, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड
अब जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका और इसका सम कितना होगा 180। एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल ई क्या होगा बताइए 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ई। आगे जाके मैं एंगल ई को कुछ लिख सकता हूं, एंगल ई को मैं क्या सी ई बी को क्या लिख सकता हूं बताइए सी बी ई। क्या लिख सकता हूं एंगल सी बी ई। और आप ध्यान से देखिए अगर ये सी बी ई है तो ये क्या होगा 180 माइनस सी बी ई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये एंगल सी बी ई है तो ये क्या होगा 180 माइनस सी बी ई। तो लिखा है ना 180 माइनस सी बी ई, तो 180 माइनस सी बी ई को हम क्या बोल सकते हैं एंगल बी। अगर 180 माइनस सी बी ई क्या बोल सकते हैं एंगल बी। हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था अपन को कि एंगल ए और एंगल बी क्या है बराबर है। क्या समझ नहीं आया बताइए, क्लियर है सबको? बढ़िया से इसको नोट करिए फिर इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए इसको। अब देखिएगा हमको नेक्स्ट पार्ट प्रूव करना है एंगल सी इक्वल एंगल डी। समझिएगा एंगल सी इक्वल एंगल डी, अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो ये क्या लिखा मालूम है, ये और ये पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल। मान लीजिए मैं इसको एक्स मान लूं, ये भी क्या है एक्स है। समझिएगा ध्यान से, एज एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है, ये को इंटीरियर एंगल हुए। तो एंगल डी को मैं बोल सकता हूं 180 डिग्री माइनस एंगल ए। क्या बोल सकता हूं 180 डिग्री माइनस क्या एंगल ए। समझिएगा, तो आपको पता है अच्छे से कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है, मतलब एक्स के इक्वल है। तो मैं ए की जगह रख सकता हूं क्या एक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव करा कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, मतलब एंगल ए किसके इक्वल है एक्स के इक्वल है। समझिएगा, और बाई अल्टरनेट एंगल ये भी एक्स है तो ये कितना होगा बताइए 180 डिग्री माइनस एक्स। तो आप अगर ध्यान दें तो मैं 180 डिग्री माइनस एक्स को क्या बोल सकता हूं एंगल सी। तो एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी। क्या प्रॉब्लम है ना सिंपल। क्या लिखेंगे आप ए प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, मान लिया एंगल डी इक्वल 180 डिग्री माइनस है, ये तो वैसे ऊपर वाली लाइन से है। ए इक्वल बी है मतलब ए इक्वल एक्स है, तो एक्स की जगह मैंने एक्स रख दिया। अब ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और अगर ये एक्स है तो ये 180 डिग्री माइनस एक्स है। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स अल्टरनेट एंगल। फिर ये क्या हुआ 180 माइनस एक्स जो कि सी है, तो 180 माइनस एक्स को हम सी बोल सकते हैं। समझ आ गया सबको, आसान है ना ये। चलिए थर्ड पोर्शन में आते हैं, ए बी सी और बी ए डी। देखो अच्छे से, ए बी सी बी ए डी कहाँ है, बी ए डी, ठीक है। इसमें कहता है अपन से कि प्रूव करिए कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ठीक है भाई। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, जल्दी ढूंढो ए बी सी और बी ए डी में क्या खास है। सबसे पहले तो ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन साइड, पहला काम बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है ना। समझेगा ए बी सी और बी ए डी। दूसरी चीज ए बी सी का बी बी ए डी के ए के बराबर है, प्रूव्ड अबव। ये चीज अपन ऊपर प्रूव कर चुके हैं, फर्स्ट पॉइंट यही था। सबसे पहले ए बी किसके इक्वल है बी ए के, ए बी सी का बी पूरा पूरा बी ए डी के ए के बराबर है, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज ढूंढिए जल्दी से, तीसरी चीज ढूंढिए ए बी डी का या बी ए डी का ए डी और ए बी सी का बी सी, बी सी इक्वल क्या ए डी। ये कैसे पता, ये गिवन है, समझ में आया। ये कॉमन साइड है, ये प्रूव्ड अबव, और ये क्या गिवन है, क्या गिवन है बी सी इक्वल ए डी। ए बी सी का बी सी बी ए डी के ए डी के बराबर है। कौन सा क्राइटेरिया बताइएगा, कौन सा क्राइटेरिया, बाई एस एस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल बी ए डी। ये हो गए कॉन्ग्रेंट, आ गया समझ में एस एस क्राइटेरिया से। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, बाई सीपीसीटी क्या देखने को मिलेगा आपको, ए सी इक्वल बी डी।
एसी इक्वल क्या बीडी, एसी इक्वल बीडी, क्या समस्या है बताओ? एसी इक्वल क्या बीडी, मतलब कि सीपीसीटी से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ आ गया। हमको जो जो चीजें प्रूव करनी थी, चाहे वो एंगल्स को लेके हो, चाहे वो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने को लेके हो, चाहे डायगोनल्स की बात हो, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आसान है ना बहुत, मुश्किल है क्या? नहीं ना, जल्दी से नोट कीजिए और जो भी प्रॉब्लम आए मुझे मैसेज कीजिए, नोट कीजिए प्लीज, ध्यान दीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 9 का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम, समझिएगा। अपन इसको एमपीटी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या मिड पॉइंट थ्योरम, स्टेटमेंट क्या है समझिएगा। इफ अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स मेजर। क्या कहते हैं, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, चलो ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, एबीसी ट्राइंगल है, उनके ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट, ये मैंने पी और क्यू ले लिए। क्वेश्चन में कहते हैं द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडल पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स मेजर। कहने का मतलब है किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स के जो मिडल पॉइंट्स हो, उनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होती है और हमेशा थर्ड साइड के हाफ के इक्वल होती है। समझिएगा कैसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं गिवन में। गिवन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझिएगा क्या गिवन है, किसी भी ट्राइंगल एबीसी में जो पी और क्यू है वो साइड्स के मिडल पॉइंट्स हैं। आगे समझिएगा, ट्राइंगल एबीसी पी एंड क्यू आर द मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। प्रूफ क्या करना आपको, आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी एंड प्रूफ करना है पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी। स्टेटमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडल पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड एंड हाफ ऑफ इट्स मेजर। एंड क्या, हाफ ऑफ इट्स मेजर, समझिएगा। मैंने कोई कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन बहुत ही मजेदार है। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करना है कि देयर इज अ पॉइंट आर प्रोड्यूस्ड पी क्यू, आर ऑन क्या प्रोड्यूस्ड पी क्यू। अगर हम पी क्यू को आगे एक्सटेंड करें तो वहां पे एक पॉइंट हमको आर मिलेगा कुछ इस टाइप से, ताकि सी आर पैरेलल टू बी हो जाए, ठीक है ना। आर इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू प्रोड्यूस्ड सच दैट बी ए पैरेलल टू सी आर। आर हमको प्रोड्यूस्ड पी क्यू पे कोई ऐसा पॉइंट लेना है जिससे कि क्या हो जाए, पी जो बी ए है वो सी आर के पैरेलल हो जाए। बी ए क्या है, सी आर के पैरेलल हो जाए। आगे समझिएगा, कंस्ट्रक्शन के बाद कहानी आती है प्रूफ में। मैं बात कर रहा हूं कोई दो ट्राइंगल्स की, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल दूसरा क्या सी क्यू आर। इन दो ट्राइंगल में जल्दी से अगर आप कुछ देखें तो ए क्यू और सी क्यू बराबर है, ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू, क्यों, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्यू जो है ए सी का मिड पॉइंट है। समझ रहे हैं बात को। दूसरी अच्छी बात समझिए, एंगल पी ए क्यू, पी ए क्यू किसके बराबर होगा, पी ए क्यू बराबर किसके होगा, आर सी क्यू के, एंगल आर सी क्यू। ये कैसे, अल्टरनेट एंगल्स। क्यों भाई अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये और ये साइड पैरेलल है तो ये किसका रोल प्ले कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। दो चीज हो गई। तीसरी चीज क्या, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आगे समझिएगा, कौन सा क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड या ए एस ए बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी आर क्यू, सी आर क्यू। सीपीसीटी
बाई सीपी सिटी। क्या देख सकते हैं आप, एपी किसके इक्वल हो जाएगा, सीआर के इक्वल। एपी इज इक्वल्स टू सीआर, एक बात। दूसरी चीज क्या, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू, पी क्यू इज इक्वल्स टू आर क्यू। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। एज एपी इज इक्वल्स टू पी बी, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है, एपी इज इक्वल्स टू पी बी, और एपी किसके इक्वल है, सी आर के। तो पी बी भी किसके इक्वल हुआ, सी आर के इक्वल हुआ। देखो ना, एपी किसके इक्वल है, पी बी के। अप्रूव कर लिया हमने एपी किसके इक्वल है, सी आर के। तो एपी पी बी सी आर तीनों इक्वल हुए। एंड जब पी बी सी आर के इक्वल है और बी ए सी आर के पैरेलल है, तो पी बी भी सी आर के पैरेलल होगा, एंड बी पी पैरेलल टू सी आर। ठीक है, क्या समझे आप, पी बी सी आर के इक्वल है। ये बनने आपको दिखाया कैसे है, पी बी इक्वल टू क्या, सी आर। दूसरी चीज, बी ए पैरेलल टू सी आर कहाँ है, ये है बी ए पैरेलल टू सी आर। अगर बी ए सी आर के पैरेलल है तो बीपी भी सी आर के पैरेलल होगा, बीपी भी सी आर के पैरेलल होगा। देन अब देखा, किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल भी है, इक्वल भी है, देन पी बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम। और जब पी बी सी आर एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल। देन देन पी आर इज पैरेलल टू बी सी एंड पी आर इज इक्वल्स टू, पी आर इज इक्वल्स टू बी सी। पी आर जो होगा, देखिए जब पी बी सी आर पैरेलल है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो पी आर इज पैरेलल टू बी सी एंड पी आर इज इक्वल्स टू बी सी। तो पी आर को मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल्स टू बी सी, और पी क्यू और क्यू आर इक्वल है तो टू पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी। तो पी क्यू इक्वल क्या आएगा, हाफ ऑफ बी सी। क्या समझा आपने, पी क्यू हाफ ऑफ बी सी भी है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी भी है। यस, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स देन इट विल पैरेलल टू थर्ड एंड हाफ ऑफ इट्स मेजर। अगर अपन किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिडिल पॉइंट्स को किसी लाइन से ज्वाइन करें या उनको ज्वाइन करने वाले सेगमेंट की बात करें तो हमेशा वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा और तीसरी साइड का हाफ होगा। क्या है स्टेटमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स मेजर। तो मैंने प्रूव कर लिया कि पी क्यू इज हाफ ऑफ थर्ड लाइन एंड पी क्यू इज पैरेलल टू थर्ड लाइन। मैं पी क्यू बोलूं या पी आर, दोनों ही बी सी के पैरेलल हैं। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको। तो मिड पॉइंट थ्योरम सॉल्व करने से पहले दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना है, गिवन क्या था, एबीसी में एबी और एसी के दो मिड पॉइंट हैं पी और क्यू, और दूसरी चीज हमने कंस्ट्रक्शन से क्या तैयार किया, हमने एक ऐसा पॉइंट लिया जिससे सी आर और पी बी क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए, पैरेलल। हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा करा है कि पैरेलल हो जाए ताकि हमें क्वेश्चन जो है आसान हो जाए सॉल्व करने में। क्लियर है ना, ये थ्योरम आपको समझ में आ गई, कोई मुश्किल हो तो बोलिए। इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं।